हमेशा खुश रहना है तो इन बातों को समझ लो। जिसने सीख लिया कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मोल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो, सादा जीवन जियो, दिखावा ना करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के तीन नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, ज्ञान ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय तीन विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना जलाता और ना दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना, नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराग भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए यह चार लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदि हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें हजार करता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है।
इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे।